नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों, आरपीएफ की एग्जाम शुरू हो गई है। लगभग आरपीएफ के 11 पेपर हो चुके हैं। हमने सभी पेपर्स को देखते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए हर एक सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक प्राप्त किए हैं जो कि हर एक पेपर में हमें मिले हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपने इनमें से एक भी टॉपिक को नहीं पढ़ा तो सीधा सा मतलब यही होगा कि आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे और आपका एग्जाम में वो टॉपिक है वो पक्का ही गलत होने वाला है। तो दोस्तों, हम वीडियो में यहां पर वो सभी टॉपिक देखने वाले हैं जो आरपीएफ के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और आपके एग्जाम में भी रिपीट होंगे। इनके क्वेश्चन आपको आपकी जो पेपर आएगा उसमें भी मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है आरपीएफ में तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर नहीं है वो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर दबाते इस प्रकार से बेल आइकन में हो जाएगा और इसके पास में बेल आइकन आ जाएगा। अब आप इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन जरूर कर दें ताकि जो भी हम आरपीएफ का वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा। अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। अब दोस्तों, हम देखते हैं वो सभी टॉपिक्स। पहला दोस्तों है राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनकी राजधानियां। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, अब हमारे जो सभी देश के राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के नाम, उनके राज्यपाल के नाम और उनकी राजधानी, दोस्तों आपको ये याद करने हैं। देखिए, राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल तो आपको सभी राज्यों के याद करने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, उनकी याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री और राजधानी है ये आपको देश में जितने भी राज्य हैं हर एक के याद होने जरूरी हैं। और दोस्तों, अब तक यहां पर आपको बताया है मणिपुर की राजधानी पूछी जा चुकी है, साथ ही साथ और भी कई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिपीट होने वाला टॉपिक है, हर एक पेपर में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे तरीके से याद कर लो। अगला है दोस्तों टॉपिक नंबर दो, सभी केंद्रीय मंत्री। जी हां दोस्तों, अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो देखिए मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री पूछे जा चुके हैं राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ये पूछे जा चुके हैं, महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री मेनका गांधी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, आपको जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों की बात नहीं कर रहे कि अगर आपके राज्य में कौन सा मंत्री नहीं, इसकी बात नहीं है कि पूरे देश में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं केंद्र में, आपको उनके सभी के नाम याद रखने हैं। गृहमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री का नाम पूछा जा चुका है। हो सकता है दोबारा भी ये आ जाएं, लेकिन इनके दोबारा आने की संभावनाएं कम रहेंगी। जो अन्य बचे हैं सभी याद कर लीजिए। अगला दोस्तों टॉपिक नंबर तीन, सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं के सीईओ। जी हाँ दोस्तों, सीईओ है वो भी देखिए हम आपको बताएं। एक तो वोडाफोन आइडिया, आपको बताया इन दोनों का विलय हो गया है, अब वोडाफोन आइडिया एक ही कंपनी बन गई है, इसके सीईओ का नाम पूछा जा चुका है। कैनरा बैंक के सीईओ जो कि राकेश शर्मा है उनका नाम पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आपको जो देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं या महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी हो चाहे उसके साथ साथ वहां पर आपको सरकारी हो, लेकिन उनके सीईओ का नाम है वो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है महत्वपूर्ण और पड़ोसी देशों की राजधानी, उनके राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब किसी देश में राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति होता है, किसी में प्रधानमंत्री होता है, वो अलग अलग देश का अलग अलग कानून और नियम होते हैं। तो दोस्तों, आपको जो महत्वपूर्ण देश है उनकी राजधानियां और उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा पड़ोसी देशों में तो आपको सभी के ही याद रखने होंगे। जो हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इन सभी के तो आपको जरूरी याद रखने हैं। नेपाल की राजधानी पूछी जा चुकी है काठमांडू, रूस की मुद्रा है वो भी पूछी जा चुकी है, रूस की मुद्रा है रशियन रूबल, ठीक है। इन देशों की मुद्राएं भी आपको याद रखनी है, राजधानी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुद्राएं, ये चार चीजें आपको याद रखनी है महत्वपूर्ण देशों की और हमारे पड़ोसी देशों की। अगला दोस्तों टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। जी हाँ दोस्तों, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ये भी दिवस भी काफी पूछे जा रहे हैं, लगभग एक दो पेपर छोड़कर आपको हर में महत्वपूर्ण दिवस हैं। कोई किसी में एक तंबाकू निषेध दिवस पूछा गया है तो किसी में कुछ, लेकिन आपको दिवस भी याद रखने हैं। पहला तो पहले जो रात हमारे दो देश के दिवस हैं वो, और फिर दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो भी आपको याद करने हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों संविधान की टॉपिक की बात कर लेते हैं कि संविधान में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों संविधान में यहां पर कौन किसको शपथ दिलाता है, पहला तो ये टॉपिक है। शपथ दिलाने की बात, यानी कि हम पूछें कि आपको राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ है वो न्यायालय
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। कौन अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो आपको पता है राष्ट्रपति है, वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रकार से दोस्तों जो अन्य पद है संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, इनके दोस्तों आपको वो इस्तीफा अपने वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे और उनको शपथ कौन दिलाता है, यह आपको याद रखना है। संविधान में हर एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा संविधान में जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है संविधान। अगला है करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स में काफी सारे विद्यार्थियों को डाउट है, तो करंट अफेयर्स में दोस्तों जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और देखिए हम आपको बताएं दोस्तों, हमने जो आपको आरपीएफ की तैयारी करवाई, हमने आपको कितने सारे लाइव टेस्ट उपलब्ध कराए, कितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए और आगे भी करवाते रहेंगे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बल्कि मैं आपको कहूं कि हर एक पेपर में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमने आपको बताया, कमी वीडियो उपलब्ध करा पाए हम आपको क्योंकि टाइम कम था, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन उन वीडियोस में से आपके परीक्षा में आ रहे हैं। जनरल साइंस का तो पूछो ही मत, एक दो क्वेश्चन ही बाहर आ रहे हैं, वरना पूरी की पूरी जनरल साइंस हमारे वीडियोस में से है। करंट अफेयर्स दोस्तों आपको नॉर्मल पढ़ लेना है, हमने जो आपको वीडियो उपलब्ध करवाए थे उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। अगला जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में दोस्तों सभी महत्वपूर्ण तत्व और यौगिकों के प्रतीक और रासायनिक सूत्र, जिस प्रकार से देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों, पोटेशियम का प्रतीक पूछा गया, पोटेशियम का प्रतीक के होता है ये पूछ लिया गया है, इसके साथ साथ हीलियम का प्रतीक HE ये पूछ लिया गया है एग्जाम में अब तक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये एग्जाम में अब तक पूछ लिया गया है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि इंग्लिश में बात करें तो HCl ये पूछ लिया गया है, चार तो अब तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों। आपको सभी महत्वपूर्ण यौगिकों के और तत्वों के प्रतीक और उनके रासायनिक सूत्र याद रखने हैं, यानी कि अगर तत्वों की बात करें तो उनके प्रतीक हमारी आवर्त सारणी में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके प्रतीक याद कर लीजिए, ठीक है। और रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये जो महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से देखें नमक, अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो तुरंत हमारे सामने आएगा NaCl, NaOH, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, इनके दोस्तों आपको सूत्र वगैरह याद रखने हैं, व्यंजक चूर्ण, ओके, ये आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे और आपके पेपर में एक तो पक्का ही है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में दोस्तों कैलेंडर और घड़ी, इन दो टॉपिकों में से अभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, इन दोनों टॉपिकों को ऐसे लगता है कि रेलवे ने छोड़ ही दिया, अभी तक इनमें क्वेश्चन नहीं आए हैं, और आए हैं तो बहुत कम आए हैं, यानी कि नाम मात्र हम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों श्रृंखला, कथन निष्कर्ष, अनुपात, समानुपात और जो आपके अन्य सभी टॉपिक्स हैं उन सभी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन घड़ी और कैलेंडर का हाल है वो थोड़ा बुरा है, इनके क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, कथन निष्कर्ष श्रृंखला वगैरह के ऊपर ध्यान ज्यादा दीजिए। अगला है दोस्तों सब्जेक्ट में गणित, मैथ, तो मैथ में आपका दोस्तों लाभ हानि, समय चाल दूरी, काम मजदूरी, हाँ, इन टॉपिकों में से हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। लाभ आने की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कल एक क्वेश्चन कि सुरेश को एक बार 20% उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, फिर उसकी तनख्वाह में यानी कि उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसे हानि होगी या लाभ, तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि उसे हानि होगी, कल हमने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ में और रीजनिंग में आप आराम से बस थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस तो नहीं होगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो टाइम टेकिंग है और उन्हें टाइम की जरूरत है, वो टाइम को पी ही जाते हैं, अगर आप उन्हें छोड़ोगे तो वैसे नुकसान, अगर किया तो वैसे नुकसान, क्योंकि अगर आप उन्हें करेंगे तो आपके अन्य क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो टाइम लेने वाले होते हैं। जिस प्रकार से रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है और उसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर टाइम की प्रैक्टिस कीजिए, और जो हमने आपको ये टॉपिक बताए हैं 10 टॉपिक्स यहां पर दोस्तों इनको तो रट डालिए, यहां पर अगर आपने सभी टॉपिक को पढ़ लिया तो हम ये कह सकते हैं कि आपके 10 से 20 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए, इसके अलावा आपको बाहर से सिलेबस में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो बाहर दोस्तों आपका अन्य मेटेरियल बचा है वो भी जरूर पढ़ना, ऐसी बात नहीं है कि 20 टॉपिक आएंगे, 20 टॉपिक के तो 20 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात भी आप देखना, बाहर भी आपको पढ़ने की जरूरत है लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और अगर आप ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, आरपीएफ में पूछे गए सभी क्वेश्चन को लिखित पाना चाहते हैं, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहां पर आकर आपको देखिए आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल आस्क क्वेश्चन के दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उस सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को जो आपके दोस्त हैं या आपके परिवार के लोग हैं उनमें भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी यहां पर फायदा हो सके और वो भी आरपीएफ की अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।